आज मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश का शॉर्ट पैराग्राफ लिया है। इस शॉर्ट पैराग्राफ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक वर्ड का, इंग्लिश के एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझाऊँगी। ये कंप्लीट पैराग्राफ जो है प्रेजेंट टेंस में होगा। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के ज़्यादातर सेंटेंसेस यूज़ में लिए गए हैं। आप इस पैराग्राफ के थ्रू अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पैराग्राफ है माय ग्रैंडमदर के ऊपर। क्या है पैराग्राफ? माय लवली ग्रैंडमदर्स नेम इज़ मीरा शर्मा। माय यानी मेरा या मेरी, तो मेरी लवली यानी प्यारा या प्यारी, मेरी प्यारी। ग्रैंडमदर्स, ग्रैंडमदर्स यानी दादी, और ऊपर एपोस्ट्रोफे एस लगा है, इसका मतलब है का के की, यानी कि दादी का। नेम यानी नाम, इज़ यानी है, मीरा शर्मा। क्या है? मीरा शर्मा, मेरी प्यारी दादी का नाम मीरा शर्मा है। शी का यूज़ करते हैं हम फीमेल सब्जेक्ट के लिए। अगर मेल की बात होती है तब वहाँ पर हम ही लगाते हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर की बात हो रही है, यानी कि शी फीमेल है, तो इसलिए शी इज़ यानी है 85 ईयर्स ओल्ड, वह 85 वर्ष की है। शी इज़ वेरी नाइस टू मी। शी यानी वह, इज़ यानी है, वेरी यानी बहुत, नाइस का मतलब होता है अच्छा, और टू यहाँ पर प्रिपोजिशन है, टू का मतलब होता है हिंदी में के लिए, यानी मी यानी मेरे लिए। शी इज़ वेरी नाइस टू मी, मी का मतलब मेरे, ठीक है, तो वह मेरे लिए बहुत अच्छी है। माय ग्रैंडमा यानी कि मेरी दादी, माय का मतलब मेरी, मेरा या मेरी, तो यहाँ पर है मेरी। ग्रैंडमा दादी, ऑल्सो यानी भी, हैज़ का मतलब होता है पास होना या है, पास होना है। प्रेजेंट टेंस में आपके पास जो भी है उसको दिखाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कौन है सब्जेक्ट? माई ग्रैंडमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है हैज़ का। तो ऑल्सो भी, हैज़ अ वेरी, वेरी यानी बहुत, और अ यहाँ पर ए जो है ये आर्टिकल है। अ वेरी ब्राइट, ब्राइट का मतलब है उज्ज्वल और साफ। एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत, और पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व। मेरी दादी माँ का व्यक्तित्व उज्ज्वल और मजबूत है, या फिर उज्ज्वल और मजबूत भी है, ऑल्सो है इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं, या साफ और मजबूत भी है। इस तरीके से ये हो गई सेंटेंस की हिंदी। शी ऑलवेज ड्रेसेज अप इन सिंपल कॉटन सारीज। शी यानी वह, ऑलवेज यानी हमेशा, और ड्रेसेज अप यहाँ पर वर्ब है। शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब के साथ एस आई एस लगाया है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है। अगर आपको रूल्स पता है तो शी ऑलवेज ड्रेसेज अप इन, और ड्रेसेज अप का मतलब कपड़ा पहनना, इन सिंपल साधारण, ठीक है, साधारण कॉटन मतलब सूती सारीज। तो शी ऑलवेज ड्रेसेज अप, ड्रेसेज अप मीन्स कपड़े पहनना, कपड़े पहनने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रेस अप। तो ड्रेसेज अप क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी ऑलवेज ड्रेसेज अप इन सिंपल कॉटन सारीज, वह हमेशा साधारण सूती साड़ी पहनती है। शी यानी वह, इज यानी है, अ बिलीवर, बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करने वाला। इन यहाँ पर इन का मतलब है में, सिंपल लिविंग यानी साधारण जीवन जीने में, लिविंग का मतलब होता है रहन सहन या जीवन यापन करना या जीवन जीना। तो शी इज अ बिलीवर इन सिंपल लिविंग यानी कि वह हमेशा, वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखती है, वह सादा जीवन, सिंपल जीवन जीने में विश्वास रखती है। शी वेक्स अप, वेक्स अप यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगा है, वेक अप का मतलब होता है उठना। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए शी वेक्स अप एट डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह, और इस डॉन से पहले हम एट प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं हमेशा। तो शी वेक्स अप एट डॉन, वह सुबह
आगे टाइम क्या है कि अराउंड 5 o'clock यानी कि लगभग 5 बजे शी वेक्स अप एट डाउन अराउंड 5 o'clock, वह सुबह करीब 5 बजे उठती है। ये भी सिंपल सारे सेंटेंसेस यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। शी कुक्स डिलीशियस फॉर अस, कुक्स यानी पकाना, खाना पकाना, उसके लिए कुक वर्ड का यूज़ करते हैं और एस लगा है क्योंकि ये वर्ब है और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। तो शी कुक्स डिलीशियस फॉर अस, वह डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, वह हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, बनाना मतलब कि कुक्स बनाती है। शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमेन हु लाइक्स टू रीड। शी यानी वह, इज यानी है, अ वेरी, अ यहाँ पर आर्टिकल है, वेरी यानी बहुत, अ का मतलब एक, स्मार्ट यानी होशियार, स्मार्ट का मतलब है होशियार या बुद्धिमान भी बोल सकते हैं हम, वुमेन मतलब औरत, हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है यहाँ पर जिसे, लाइक्स यानी पसंद होना, पसंद है, टू रीड क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, टू रीड यानी पढ़ना। शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्मार्ट वुमेन हु लाइक्स टू रीड, यानी कि वह बहुत होशियार महिला है, वुमेन है ना, तो महिला है जिसे पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट क्या है कि शी वह रीड्स का मतलब पढ़ती है या पढ़ता है, तो पढ़ती है रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट का मतलब है यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, एंड और ऑल्सो यानी भी फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है उपन्यास या कथा साहित्य जो कि कल्पना पर आधारित होते हैं, इमेजिनेशन पर। तो शी रीड्स रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल्सो फिक्शन, वह धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है और कथा साहित्य भी। नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंडमा ऑल्सो निट्स, निट्स यानी होता है बुनना, मेरी दादी माँ बुनती भी है, एंड और स्वेटर बुनना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड निट, एंड वंस यानी एक बार, मेड मी यानी मेरे लिए, मेड बनाया, मेरे लिए बनाया, तो मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, तो ये सिंपल पास्ट में छोटा सा सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, वंस मेड मी अ स्वेटर, एक बार उन्होंने मेरे लिए स्वेटर बनाया। आई लव माई ग्रैंड माँ अलॉट, आई यानी मैं, लव मतलब प्यार करना, माई यानी मेरी ग्रैंड माँ को, अलॉट यानी बहुत, एंड यहाँ पर इसका मतलब है कि आई लव माई ग्रैंड माँ अलॉट, मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, एंड और आई यानी कि मैं, ऑलवेज हमेशा, प्रे मतलब प्रार्थना करना, फॉर हर गुड हेल्थ, फॉर मतलब के लिए, हर यानी उनकी, अब हर यहाँ पर जो है शी है यहाँ पर क्योंकि फीमेल की बात हो रही है इसलिए हमने यूज़ किया है हर, गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य, टू द एलमाइटी, एलमाइटी का मतलब होता है भगवान। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीन हो गया कि मैं हमेशा भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, आई ऑलवेज प्रे हर गुड हेल्थ टू द एलमाइटी, आई ऑलवेज यानी हमेशा, फॉर हर गुड हेल्थ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर यानी कि के लिए, टू द एलमाइटी ईश्वर से, भगवान से। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।